राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम अवधपुरी में राम भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि अयोध्या के एक राजा थे दशरथ, न्यायप्रिय और प्रजापालक, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इसके लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उन्हें संतान प्राप्त हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब ये बड़े हुए तो राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसी उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। राजन, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो राम हैं। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा, महाराज दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वो अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया।
दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की। महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वो उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वो मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजा, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन
अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वो कुछ सोच कर ही यहां आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का ये आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंखध्वनि हुई। नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूम कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। जाओ पुत्र, विजयी भव। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे, लक्ष्मण राम से दो कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विशेष समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, विजय कुमार सिन्हा और सतीश कक्कड़, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।